हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आज मैं रेडमी के अपडेट के बारे में नहीं बात करने वाला हूँ, आसूस के अपडेट के बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइज, ये वीडियो में बने रहे, आसूस मैक्स प्रो M2 के एंड्रॉइड पाई के बारे में बात करने वाला हूँ रिसेंट और भी प्रूफ के साथ। तो गाइज, वीडियो पूरा देखे और वीडियो को पसंद आए तो प्लीज लाइक करे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बता दूं कि रेडमी के अपडेट के अलावा मैं आसूस के भी अपडेट कर देने का ट्राई करूंगा। तो गाइज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो अब बात करते हैं मेन टॉपिक पे। तो आसूस ZenFone Max Pro M2 में पाई का अपडेट कब आएगा? तो गाइज, सबसे पहले तो आप लोग ये जान लो, आसूस के यूज़र अगर आप हो तो गाइज, जैसे कि रेडमी में आपको अपडेट दो वर्जन में मिलता है, बीटा और एक स्टेबल। बीटा को मिलता है पहले, देन बीटा से स्टेबल वर्जन को सभी यूज़र को मिल जाता है। तो गाइज, आसूस ने भी यही ट्रिक अपनाया है कि ये एंड्रॉयड पाई का अपडेट बीटा एज अ बीटा वर्जन में पहले देगी, फिर आपको स्टेबल वर्जन में देगी। तो गाइज, ये मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? तो गाइज, जैसा कि इंस्टाग्राम अकाउंट में आसूस ने डिक्लेयर किया कि ये एंड्रॉयड पाई का सबसे पहले बीटा वर्जन देखने को मिलेगा, देन ही आपको स्टेबल वर्जन देखने को मिलेगा। और गाइज, ये कैसा प्रोसेस होता है? तो गाइज, बीटा में सभी यूज़र को प्रोवाइड कर दिया जाता है जो जो बीटा इनरोल करते हैं, और इसके बाद सब डिक्लेयर करने के बाद, सब बग्स रिजॉल्व करने के बाद आपको स्टेबल वर्जन लाया जाता है। तो गाइज, कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा इंटरफेस। तो गाइज, जैसे कि इसमें लिखा हुआ मस्ट रीड बिफोर एप्लीकेशन, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, इसको पढ़ना है। और गाइज, पढ़ ही लेना, अच्छी बात है पढ़ना। तो गाइज, अच्छे से एक बार पढ़ लेना, क्योंकि फोन का बात है, बहुत जन भाई मेहनत करके फ़ोन लेते हैं। तो गाइज, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि भाई गाइज, इसमें ये भी चीज़ लिखा है कि बीटा वर्जन उतना स्टेबल तो होता नहीं है, तो इसमें थोड़ा रिस्क है, क्योंकि इसमें थोड़ा लैग देखने को मिलता है बीटा वर्जन में। और गाइज, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो गाइज, इसमें ये भी लिखा हुआ है कि तीन चीज़ हमें ध्यान रखना है, IMEI नंबर हमें पता रहना चाहिए, सीरियल नंबर और फर्मवेयर का बीटा टेस्टिंग सेटिंग। तो गाइज, ये तीन चीज़ आप लोगों को जानना पड़ेगा ये इनरोल करने से पहले। तो गाइज, तो जिसके पास आसूस ZenFone Max Pro M2 है, तो गाइज, वो लोग इनरोल कर सकते हैं। जिनको करना है एंड्रॉयड पाई और जल्दी देखना चाहते हैं और बीटा वर्जन में जाना चाहते हैं, तो इनरोल कर सकते हैं। बट गाइज, और कोई बाकी M1 वाली यूज़र ना करें, ये M2 के लिए ही है बताया गया, जैसे कि तो गाइज, M2 वाले ही करें। तो गाइज, इस वीडियो में इतने, मैं एंड्रॉयड पाई के, रेडमी के और आसूस के दोनों के अपडेट देते रहूँगा। तो गाइज, ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और गाइज, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन सकते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में सारा चेक कर लें।